वेल द लॉन्गेस्ट एवर रनिंग रियलिटी शो अगर इंडिया में कोई रहा है तो इट हैज टू बी हैंड्स डाउन रोडीज. अभी तक 18 सीजन खत्म हो चुके हैं एंड 19 सीजन इज गोइंग टू बी अप वेरी वेरी सून. लेकिन इस 19 सीजन के पहले बहुत सारे चेंजेस हमें रोडीज में देखने मिल रहे हैं. एक और नया शौक मिलने वाला है रोडीज के फैंस को. आखिर कौन दे रहा है शौक बताती हूँ इस वीडियो में. देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करणी. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि रन विजय जो है इस सीजन में मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाले हैं. उन्होंने सीजन को क्विट कर दिया है. इनफैक्ट रोडीज को ही क्विट कर दिया है. 18 सीजन्स में ईच एंड एवरी सीजन में वी हैड सीन रन विजय. सीजन वन में वो आए थे, सीजन वन वो जीते भी थे. उसके बाद उन्होंने हर एक सीजन जो है होस्ट किया है और अभी 18 सीजन को सक्सेसफुली कम्प्लीट करने के बाद अलविदा कह दिया है रोडीज को आफ्टर 18 लॉन्ग ईयर्स. अभी इसी के लिस्ट में एक और नए सेलिब्रिटी का नाम जो है एड हो चुका है जिन्होंने इस शो को जो है क्विट कर दिया है. वेल रणविजय को तो रिप्लेस कर लिया है सोनू सूद ने, लेकिन मैं जिनकी बात कर रही हूं उन्होंने पिछले कई सीजन्स में अपना एक स्पेशल नाम बनाया था, लेडी पावर, फीमेल पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, और हमेशा से गलत के लिए लड़ाई दी है उन्होंने और हमेशा सच के साथ खड़ी रही है. कई सारे कंटेस्टेंट्स जो है जो उनके टीम से थे उनमें से कई लोग जो है सीजन को जीते भी है, अपने अपने सीजन को जीते हैं. और ऐसे ही यस मैं बात कर रही हूँ नेहा धूपिया की. नेहा धूपिया भी हमें इस सीजन में दिखाई नहीं देने वाली है एंड फैंस आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस आउट ऑन सीइंग नेहा धूपिया. वेल नेहा धूपिया का क्या है रीजन, आखिर क्यों वो इस साल रोडीज का हिस्सा नहीं बनना चाह रही है, देखते हैं हम अभी इस वीडियो में. वेल नेहा से जब पूछा गया था कि क्या आप अगला सीजन करने वाले हैं, रणवीर ने क्विट कर दिया, व्हाट इज योर टेक, वो कह रही है कि वेल इस साल मैं भी रोडीज का हिस्सा नहीं बनने वाली. मेरे से ज्यादा मुझे हार्टब्रेक और हार्टब्रेकिंग अगर कोई चीज लग रही है तो वो है रणविजय का इस शो में ना होना. एंड ऑब्वियसली वो रीजंस उसे और नेटवर्क को यानी चैनल को पता होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है कि रणविजय जो है ये शो नहीं करने वाला. मैं शो को बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा से पसंद करती आई हूँ एंड शो का जो जान है वो हैज़ टू बी हैंड्स डाउन रणविजय और वो हमेशा से ही मेरा डियर फ्रेंड रहा है, आगे भी रहेगा. लेकिन इस बात की खुशी है कि अगर कोई उन्हें रिप्लेस कर रहा है तो वो मेरा एक और काफ़ी क्लोज फ्रेंड है यानी कि सोनू सूद, वो भी काफ़ी अच्छा है. तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. और रही बात मेरी तो बस ये रीज़न मेरे और नेटवर्क के बीच है, मेरे और चैनल के बीच है, अभी मैं आपको बताना नहीं चाहती. बट नेवर से नेवर, ऐसा हो भी सकता है कि मैं वापस आ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं ये सीज़न जो है नहीं करने वाली. वेल 2003 में ये जो शो शुरू हुआ है अभी 2022 में हम है, 19th सीजन बिग बॉस का आने वाला है. और अगर सूत्रों की बात माने तो द डेडली ड्यो यानी कि रघु एंड राजीव फिर एक बार जो एंट्री करने वाले हैं रूडीज में, ऐसा कहा जा रहा है. अगर सच में वो एंट्री करते हैं तो इट विल बी लिटरली द बेस्ट थिंग एवर. लेकिन जो ट्रायो सबसे ज़्यादा लोग देखना चाह रहे हैं, देखना पसंद करें, काफ़ी ज़्यादा रूडीज मिस कर रहे हैं, वो है रघु, राजीव एंड रणविजय. ये तीनों आर को, जो RRR है, इनके जो ट्रायो को है टेरिबली मिस किया जा सकता है. बट कसम से ये बात तो तय है, जो रोडीज के फैंस हैं रघु राजीव हैव बीन द किलर डियो, उनके सामने आज तक किसी की चली नहीं है और किसी की चल भी नहीं पाएगी. और जिस तरह से कॉन्टेस्टेंट से वो बात करते हैं, जिस तरह से बैंड बजाते हैं, शो में एक अलग मसाला, एक अलग मजा आता है. क्या है आपको कहना, कितने एक्साइटमेंट है आप में सीजन 19 को देखने के लिए, कितना ज़्यादा मिस करने वाले हो रणविजय एंड नेहा धूपिया इन दोनों को. सोनू सूद को देखने के लिए आपका क्या है कहना, ही इज गोइंग टू फिल इन द शूज फॉर रणविजय. एंड अगर ये बात सच निकली कि रघु राजीव दोनों जो फिर एक बार एंट्री मारने वाले हैं रोडीज में, उस चीज के लिए कितना आप एक्साइटेड हो ये लिखना मत भूलिएगा. आई सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.